कोरिया के शिव महापुराण कथा में पार्किंग की व्यवस्था कहाँ पे की गई है? कथा स्थल से कितनी दूरी पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है? चलिए पता करते हैं। ये साइड रुकी है ना, नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए टू जेड फ्रेंड्स ब्लॉग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कोड़िया में 7 तारीख से शुरू होने वाली है। दोस्तों प्रदीप मिश्रा जी की कथा भारत में कहीं भी हो वहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है, और यही अंदाजा कोड़िया में भी लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ेगी, और भारी संख्या में श्रद्धालु प्रदीप मिश्रा जी की कथा को श्रवण करने के लिए ग्राम कोड़िया में पहुँचेंगे। तो इससे पहले बालोद के जुंगेरा में प्रदीप मिश्रा जी की महापुराण की कथा हुई थी। दोस्तों बालोद की उस कथा में जो दुर्ग भिलाई रायपुर एरिया से जो लोग वहां पर कथा श्रवण करने के लिए गए थे उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा था, और वो था पार्किंग की समस्या का। जी हां दोस्तों, बालोद के जुंगेरा में जो पार्किंग की व्यवस्था की गई थी वो व्यवस्था कथा स्थल से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर की गई थी, और पार्किंग से करीब 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाकर कथा स्थल तक पहुँचना पड़ता था। ये समस्या वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या थी। तो बालोद के उसी समस्या को देखते हुए काफी लोगों का कहना है कि कोड़िया में पार्किंग की व्यवस्था कहाँ की गई है, कहाँ पर गाड़ी को पार करने की व्यवस्था की गई है, और बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि कोड़िया के कथा में पार्किंग की दूरी कथा स्थल से कितनी दूरी पर रहेगी। तो दोस्तों इसी समस्या को हल करने के लिए हम लोग चले गए ग्राम कोड़िया, और वहाँ पे बात किए समिति के अध्यक्ष प्रदीप साहू जी से। तो आप लोग भी सुनिए पार्किंग के लिए कौन कौन सी जगह को चिन्हित किया गया है। पार्किंग कहाँ कहाँ है भैया? पार्किंग है भैया पोटिया दिखा सामने गांव, ओकर सामने भाटा है, कम से कम 40-45 एकड़ भाटा है डाले। एतिक जो गाड़ी आई रायपुर तरफ ए साइड रुकी है ना, रायपुर तरफ की गाड़ी ए साइड से रुकी मेडेसरा में। दुरुग बालोद वाले बन पर कोडियम है, ओकर बाद अगर ए पुल हो जाए तो फिर सामने गांव बड़े गांव है, बड़े गांव वहां कम से कम 35-40 एकड़ जमीन है, वहां पार्किंग रही, वहां पार्किंग रही। ठीक है, पार्किंग यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास में पार्किंग वगैरह रहेगा? हाँ 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो दोस्तों सबसे पहले आप दुर्ग होते हुए अगर कोड़िया आते हैं तो आपको कोड़िया में ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है जो कि कथा स्थल से करीब 2 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों अगर आप रायपुर कुम्हारी और अहिवारा होते हुए अगर कोड़िया आते हैं तो आपको कोड़िया और अहिवारा के बीच में एक गाँव पड़ेगा जिसका नाम है पोटिया, और इसी पोटिया गाँव में ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है जो कि कथा स्थल से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वहीं पर दोस्तों अगर आप कवर्धा बेमेतरा या फिर धमदा होते हुए कोड़िया आते हैं तो आपको वहां पे एक गांव पड़ता है मेड़ेसरा। मेड़ेसरा गांव के आसपास ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है, और ये पार्किंग भी कथा स्थल से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों आप अगर इन तीनों पार्किंग में कहीं पर भी अपनी गाड़ी खड़ा करते हैं तो आपको 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चल के ही कथा स्थल तक पहुंचना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोड़िया गांव के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए या फिर कथा स्थल के बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपका कुछ भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट करके पूछिए। फिर मिलेंगे आपको एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।